तो दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चे होंगे। तो मैं लेके आ चुका हूँ आज एक नया वीडियो, कुछ नया टॉपिक। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है, तो आप इस वीडियो को कर देना लाइक, और आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको एक घंटी दिखाई देगी, उस घंटी को ऑल पर सेट कर देना, ताकि हम कोई भी नेक्स्ट वीडियो लेके आए वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप जियो सिनेमा के अंदर अपने प्रोफाइल पिक्चर कैसे चेंज कर सकते हो। जियो सिनेमा एप्लीकेशन के अंदर आप अपने प्रोफाइल पिक्चर बड़े आसानी से चेंज कर सकते हो, बट आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे चेंज कर सकते हो अपने प्रोफाइल जियो सिनेमा एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइस, उसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन के अंदर जहाँ कहीं भी जियो सिनेमा एप्लीकेशन हो, इसे ओपन कर लेना। अपने जियो सिनेमा को ओपन करने के बाद में अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आ जाए तो अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे प्रोफाइल का। आपको सिंपली इस प्रोफाइल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना। प्रोफाइल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइस, अब आपको यहाँ पे ये प्रोफाइल के ऊपर यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइस, अब आपको एक बार वापस आपको एडिट के ऊपर क्लिक कर देना। अब गाइस, उसके अंदर आप जो भी प्रोफाइल पिक्चर रखना चाहते हो जियो सिनेमा के अंदर, उसको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने का एक अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइस, आपकी यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर ऐड हो जाएगी। तो गाइस, आप कुछ इस प्रकार जियो सिनेमा एप्लीकेशन के अंदर अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर सकते हो। आई होप आपने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप जियो सिनेमा एप्लीकेशन के अंदर प्रोफाइल पिक्चर कैसे ऐड कर सकते हो। आपको समझ आ गया तो आप इस घंटी को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और इस वीडियो को कर देना लाइक। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।